औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोजिज़ सामिनो कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहु। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाएँ। अल्लाह पाक आपके तमाम दिली मकासद को हल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं आपकी खिदमत में सूरतुल फातिहा का मुजर्रब और ताकतवर अमल वजीफ़ा लेके हाज़र हुई हूँ। ये अमल हर किस्म की बीमारी हत्ता के ला इलाज बीमारी के लिए ज़बरदस्त और पावरफुल वजीफ़ा है। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अहदीस के अंदर बताया हुआ साबित शुदा वजीफ़ा है, अमल है। अगर आपको बड़ी से बड़ी कोई बीमारी तकलीफ़ है, शुगर है, दिल की बीमारी है, या उससे भी ज़्यादा कैंसर का मर्ज़ है, या अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका आप इलाज करके थक चुके हैं लेकिन आपको आराम नहीं आता, आपने बहुत सारे वजीफ़े अमल किए हैं, बहुत सारे डॉक्टर हकीमों से दवाइयां लेकर खाई हैं, मुकम्मल आराम नहीं आता, शफा नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना, बल्कि एक मर्तबा, सिर्फ़ एक मर्तबा सूरतुल फातिहा का ये मुजर्रब अमल वजीफ़ा आपने लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से जितनी बड़ी बीमारी होगी, कोई ला इलाज बीमारी भी होगी, आपको अल्लाह पाक शफा देंगे। इस अमल की बदौलत, इस वजीफ़े की बदौलत से अल्लाह पाक आपको शफाए कामला अता फरमाएंगे। अमल ये है, वजीफ़ा ये है। सबसे पहले आप अमल का टाइम समझ लें, किस वक़्त करना है। आपने ये अमल फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान करना है। दोबारा सुने, ये अमल आपने फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान करना है, यानी पहले फजर की सुन्नत पढ़ लेनी है, इसके बाद ये अमल करें। उसके बाद आप फजर के फ़र्ज़ पढ़ें। वक़्त तो ये है, ये अमल आपने फजर की सुन्नतों के दरमियान पढ़ना है। आप अपने पास पानी का एक गिलास रख लें। इसके बाद आप 41 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ें। 41 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है। आपके सामने स्क्रीन पर ये आयात मुबारका मौजूद हैं, नोट फरमा लें। आपने 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाह को मिलाकर पढ़नी है, और पानी पर दम करें और पी लें। अगर कोई मरीज़ है तो पानी पर दम करके उसको पिला दें। आपने बिस्मिल्लाह इस तरीके से पढ़नी है कि उसका मीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी मुकम्मल आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। आप नोट फरमा लें मैं किस तरह पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल अल्हम्दुलिल्लाह, ये साथ आपने मिला के पढ़ना है, और फिर पूरी सूरत फातिहा आपने मुकम्मल करनी है। इस तरीके से आपने पढ़नी है हर मर्तबा बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा के साथ पढ़नी है 41 मर्तबा। आपने बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मिलाकर पढ़नी है, सूरत फातिहा मुकम्मल 41 मर्तबा पढ़नी है।
ये अमल आपने 41 दिन करना है, बिला नागा करना है, नागा नहीं करना, इसमें मुसलसल पढ़ना है आपने। अगर नागा हो गया तो आपका ये अमल दोबारा आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर कोई औरत पढ़ती है तो उसकी दरमियान में छुट्टी आ जाती है, जो उसने पहले पढ़ा हुआ होगा छुट्टी के बाद उसको पढ़े हुए को साथ शामिल कर ले और अपने 41 दिन मुकम्मल करें। ये अमल इंतहाई पावरफुल वजीफ़ा है। जितनी बड़ी कोई बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, अल्लाह पाक इस अमल की बदौलत, इस वजीफ़े की बदौलत उसको शफा देंगे। अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मोजिज़ आमीनों कराम, अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकअल्लाह।